अस्सलाम वालेकुम, आई एम बैक विद थर्ड व्लॉग। आज जो हमारा व्लॉग है वो है मॉल द एमिरेट्स। तो मैं बस रेडी हो गया हूँ और बस बगैर वक्त को ज़ाया करते हुए हम मॉल की तरफ चलते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। अब हम आ गए हैं मेन रोड पे और अब हम जा रहे हैं स्टेशन की तरफ और स्टेशन से मेट्रो लेंगे। मेट्रो ट्रेन जो है वो फिर हमें वहाँ पे मॉल ऑफ द एमिरेट्स ले जाएगी। लास्ट जो हमारा व्लॉग था उसमें आपको सारा डिटेल में दिखा दिया था कि किस किस तरह से यहाँ पे मेट्रो ट्रेन में बैठते हैं। तो आज इंशाल्लाह हम चलते हैं डायरेक्ट मॉल में। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते थे जो मॉल ऑफ एमिरेट्स है ये दुबई का दूसरा बड़ा शॉपिंग मॉल है। फाइनली वी आर एंटर द मॉल ऑफ एमिरेट्स। ये है मॉल ऑफ एमिरेट्स और यहाँ से अभी हम यहाँ से इसी तरह हम एंटर हो गए हैं। तो अब हम जा रहे हैं आगे और जाके देखते हैं कि अभी हम बेसिकली ये पैसेज है, पैसेज से हम आगे जैसे ही निकलेंगे तो हमें डिफरेंट हॉल्स नज़र आएंगे। फिर हम जो हॉल में जाना चाहते हैं हम उस हॉल में चले जाएंगे। जितने भी यहाँ पे मॉल हैं उनके अंदर ये एक्सचेंज का लाजमी होता है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा मल्टी नेशनल लोग आए होते हैं तो उसमें वो फिर यहाँ से एक्सचेंज करवाते हैं, अपनी मनी एक्सचेंज करवाते हैं। अभी हम इसके फर्स्ट फ्लोर पे हैं तो अभी हम ग्राउंड फ्लोर पे चलते हैं। तो फाइनली हम ग्राउंड फ्लोर पे आ गए हैं और यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल नज़र आ रहा है। अब हम इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। ये भी कारफोर है उसकी तरह, जैसे अभी हम कल इब्ने बतूता में गए थे वहाँ पर भी कारफोर था तो ये भी कारफोर है। हम कारफोर में आए हैं। ये आप बिस्किट देख लें किस टाइप्स के यहाँ पे बिस्किट्स में। ये केक देख लें इसके ऊपर ये फ्रूट्स इन्होंने फ्रेश रखे हुए हैं। तो कितने प्यारे फ्रेश फ्रूट्स वाले आपको केक नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे ऐसे होता है कि आपने जो भी पार्ट लेना ना इवन के चिकन का भी वो भी आपको सेपरेट मिलेगा। ऐसे नहीं मिलेगा कि पूरी मुर्गी दे दो, उसमें मिल जाता है पूरा वो भी मिल जाता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे होते हैं कि पार्ट्स होते हैं। अब ये वाले हम दूसरे पार्ट्स में आ गए हैं। ये नीचे लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलियन मीन्स लो फैट। ये वैसे ये फिश का रैक आ गया है। आप ये देखिए कि यहाँ पे ऐसे बिल्कुल फ्रेश आपको वेजिटेबल्स मिल रही हैं और अंदर से ये फ्रिज है। यहाँ पे हाथ रखेंगे तो हाथ ठंडा हो जाता है। ये आपको शायद धुआं नज़र आ रहा हो हल्का हल्का, ये फ्रिज, ये कूलिंग हो रही है अंदर से। ये आपकी फेवरेट आ गई हैं, ये आपके पास आ गए हैं। उसके बाद ये ऑक्टोपस आ गया है, केकड़े, लॉबस्टर्स। यहाँ के ये बर्गर ऐसे होते हैं, यहाँ पे बर्गर वैसे ही नहीं मिलते कि शामी वाले बर्गर। इधर इन्होंने टमाटर लाजमी डाले होंगे जिस मर्दी बर्गर में देख लें। अच्छा यहाँ पे ना ये पता नहीं ये किस कंट्री के ये वाले टमाटर हैं, ये छोटे छोटे होते हैं, ये डेकोरेशन में भी यूज़ करते हैं, लोग खाने में भी यूज़ करते हैं। अब हम ये पेट रैक में आ गए हैं। लास्ट हमने कल के व्लॉग में देखा था पेट स्ट्रीट थी, इन्होंने पेट पार्क बनाया हुआ है और यहाँ पर डिफरेंट कैट फूड्स, डॉग फूड्स मिलते हैं। ये 20 रुपए की पेंट है और ये आप देख लें इस तरह की, ये 20 रुपए की दरम, पहले 26 की थी अब 20 की है, इस तरह की लग रही है। यहाँ पे इस तरह के डिज़ाइन बहुत चलते हैं, ये दुबई की शर्ट्स, ये आप भी देख लें, ये अबू धाबी। तो बॉयज़ को हम कैसे भूल सकते हैं। ये शूज़ हैं और इसी तरह ये रैक्स हैं यहाँ पे, यहाँ पर डिफरेंट स्वेट शर्ट्स हैं ये कारफोर के अंदर। अब हम इलेक्ट्रॉनिक्स के रैक में आ गए हैं और हम देखने जा रहे हैं आयरन। अभी हम आयरन के रैक में आ गए हैं और ये यहाँ की सबसे महंगी आयरन है जो कि 30,000 रुपये की है। अब ये स्पोर्ट्स के रैक में आए हैं और ये हमारे पास साइकिल है जो कि पाकिस्तानी बन रही है, 1,30,000 रुपये की ये साइकिल। और ये वाली जो साइकिल है ये आपको बन जाएगी 1,20,000 रुपये की। ये हम अब किड्स रैक में आ गए हैं, यहाँ पर टॉयज़ हैं और यहाँ पर आप देख लें किस किस तरह से ये वाले टॉयज़ भी हैं। उसके बाद सारा रैक टॉयज़ का है। ये कावा पीने के लिए छोटे से कप्स हैं। अरबी जो है ना कावा का, इसको बहुत शौक़ होता है अरबियों को। ये यहाँ पे हेलोविन शॉप बनाई हुई है, ये हैप्पी हेलोविन। और ये देखें यहाँ से हम एंटर हो जाएंगे, अंदर चले जाएंगे। और यहाँ पे कोई भी चीज़ है ना उसकी सेलिब्रेशन होती है क्योंकि डिफरेंट लोग आए होते हैं डिफरेंट रिलीजियस से। ये आप देख लें किस तरह से इन्होंने डिकोर किया हुआ है, बिल्कुल
क्योंकि हेलोवीन की जब सेलिब्रेशन आएगी तो सारे लोग इसको सेलिब्रेट करेंगे। ये कटे हुए हाथ पड़े हुए हैं, ये चेन और इस तरह से। तो अब हम आ गए हैं कारफोर से बाहर और अब हम आ गए नेक्स्ट हॉल में। तो अब हम आपको शॉप सिखाते हैं। इस एरिया में तीनों हॉल आकर कनेक्ट होते हैं, आप ये देख सकते हैं। ये यहाँ पे इस तरह से डिस्प्ले होता है शॉप्स का। ये आप देखें कितनी प्यारा इन्होंने डिकोर किया हुआ है। अगर आप लाहौर एमएम आलम रोड पे गए हैं तो सेम रेस्टोरेंट उधर भी है, ये पीएफ चैंग्स। ये यहाँ पे भी मॉल ऑफ एमिरेट्स में भी है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी विंटर आने वाली हैं, तो ये विंटर से पहले इन्होंने कैसा प्यारा है डिकोर। ये आप यहाँ पे देख लें, सारे ये एक बहुत गर्म कपड़े पहन रहे हैं। यहाँ पे एक जगह है वहाँ पे उन्होंने बिल्कुल बर्फ़ वाला माहौल बनाया हुआ है और अंदर स्नो फॉलिंग भी होती है। तो चलें आपको वहाँ ले कर चलते हैं। यहाँ पर देखिए माइनस में टेम्परेचर है, लोगों ने देखे गर्म कपड़े पहन के, तो इनको यहाँ पर बच्चे खेल भी रहे हैं। इस तरह के यहाँ पे एडवेंचर्स होते हैं जो कि बच्चे फिर खेलते हैं, उसके बाद फिर पढ़ते भी। अच्छा, हमारे एडवेंचर भी मुनासिब से होते हैं तो फिर बच्चे भी इस तरह से ही पढ़ते हैं। ये नीचे सारी बर्फ़ पड़ी हुई है, कोई कोई बच्चे अपने हाथों में बर्फ़ उठा रहे हैं और खेल रहे हैं। ये देखिए बच्चे खेल रहे हैं, एक दूसरे को बर्फ़ मार रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। इसको कहते हैं स्नो सिनेमा। इसके अंदर ऐसे बच्चे आते हैं, वो देखें हेलमेट, ये अब यहाँ से स्लाइडिंग करेंगे बच्चे। यहाँ पर जितने भी बड़े मॉल हैं वहाँ पे ये वाला ज़रूर है, ये जो वर्जिन मेगा स्टोर है ये हर जगह पे मौजूद है। ये हम इसके सेकेंड फ्लोर पर आ गए हैं और ये देखें शॉपिंग करते हैं, उसके बाद यहाँ पे आके खेलते हैं। डिफरेंट टाइप्स की गेम्स हैं यहाँ पे। मशीन है मॉल ऑफ एमिरेट्स में, इसमें आपने जहाँ पे भी जाना होता है आप वहाँ पे यहाँ पे सर्च करते हैं। आप सर्च करके जहाँ पे भी आपने जाना है यहाँ पे ये चीज़ें आ गई। अगर आपने मेट्रो जाना है तो आप ये मेट्रो पे सर्च करेंगे, वो उसने कह दिया लेवल वन। जैसे ही आप ये देखेंगे और उसने ये लेवल वन शो करा दिया। दिस इज़ द एवोल्यूशन प्लेस, यहाँ पे लोग वजू करते हैं। नमाज का टाइम हो गया था तो आओ हम नमाज पढ़ लेते हैं। आज हमारा मॉल ऑफ एमिरेट्स का टूर था, जो कि उम्मीद करते हैं आपने बहुत इंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।